हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरडी इंडस्ट्रीज नीरो ब्रांड से याग्निक पटेल और आज हम आपको जानकारी देने जाएंगे वाटर कूलर के बारे में। जैसे कि ये 20 लीटर कैपेसिटी वाला वाटर कूलर, ये 30 लीटर कैपेसिटी वाला वाटर कूलर, ये 40 लीटर और ये 60 लीटर कैपेसिटी वाला वाटर कूलर और 100 लीटर की भी कैपेसिटी हम प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम आपको विस्तार से बताएंगे 30 लीटर वाटर कूलर के बारे में। ये 30 लीटर कैपेसिटी वाला वाटर कूलर, 20 लीटर और 30 लीटर की कैपेसिटी में हम सिंगल नल देते हैं और उसे ज़्यादा जब 40 लीटर 60 लीटर में जाएंगे तो उसमें दो नल दिया जाएगा। और अगर 30 लीटर में कस्टमर को दो नल की रिक्वायरमेंट है तो वो दो नल वाला भी फिटिंग हो सकता है। मित्रों, हम इसके अंदर का जो टैंक है वो टैंक हम आपको दिखाने जाएंगे। यहाँ पे नोब दिए गए हैं, मशीन के दोनों साइड दो दो नोब दिए गए, वो ओपन करके हम ऊपर का जो ढक्कन है उसको ओपन कर सकते हैं और अंदर का टैंक खुला हो जाएगा हमारे सामने। कूलर के अंदर टैंक के अंदर पानी डालने के लिए अगर आपको रेडीमेड जो बोतल मिलती है आरओ वाली, वो बोतल इसके अंदर डालना है तो आप यहाँ से पानी भी डाल सकते हैं। ये जो ढक्कन है वो ओपन भी कर सकते हैं, आप पानी डाल सकते हैं और अंदर भी आरओ का पानी के कनेक्शन भी दिया गया है। अब हम ये ढक्कन को ओपन करेंगे और अंदर का टैंक आपको दिखाने जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं अंदर का मशीन के अंदर का जो टैंक है वाटर कूलर के अंदर का, वो इसमें हम पानी डालेंगे। इसकी कैपेसिटी 30 लीटर है। जब 30 लीटर पानी आ जाएगा तब ये जो गोला दिया गया है वो ऊपर हो जाएगा और यहाँ से जो पानी का कनेक्शन आरओ का कनेक्शन हम यहाँ पे देते हैं तो आरओ का जो पानी अंदर आता है वो आना स्टॉप हो जाएगा। तो ये जब ऊपर हो जाएगा उसके बाद यहाँ से पानी अंदर आना बंद हो जाएगा और जब ये टैंक ओवरफ्लो हो जाती है तो यहाँ पे ये एक वाल दिया गया है, यहाँ से पानी है वो बाहर निकल जाएगा, जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी होगा वो। ये वाल जो है वो जब टैंक ओवरफ्लो हो जाता है तब यहाँ से एक्स्ट्रा पानी बाहर आता है। यहाँ पे हमने ये नेट वाला वाल दिया गया है ताकि यहाँ से कोई इंसेक्ट है वो कुछ और कोई भी चीज़ अंदर ना जा सके पानी के अंदर, इसलिए यहाँ पे नेट वाला वाल हमने दिया गया है और आप यहाँ से आरओ का कनेक्शन दे सकते हैं। और मित्रों, यहाँ पे हमने कूलिंग कंट्रोलर के लिए यहाँ पे एक कंट्रोलर दिया है। यहाँ पे यहाँ से आप वाटर कूलर को डायरेक्ट ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और कूलिंग भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से 1 से लेके 7 तक हमने दिए गए हैं। तो आप नॉर्मली यहाँ पे 3-4 पे रखा जाता है कूलिंग के लिए, आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से। पहली विशेषता है हमारे वाटर कूलर के बारे में आपको हम बताएंगे तो इसका पूरा जो बॉडी है वो हम SS304 का देते हैं जो जंग प्रूफ होता है। यहाँ ये पूरी बॉडी स्टेनलेस स्टील 304 में बनी है तो कहीं पे भी इसमें जंग कभी भी लगेगा नहीं। तो इसका लाइफ टाइम आप कैसे भी यूज करें, इसके ऊपर कैसे भी पानी गिरे कुछ नहीं होगा पूरी बॉडी को। और दोस्तों, यहाँ पे जो आगे का जो बॉडी दिया गया है इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो ये हमने पूरा डिजाइन वाला दिया है जिससे कूलर का जो लुक है वो बहुत ही एट्रेक्टिव दिखता है। तो ये बहुत अच्छा है, एक लुक वाइज दिख रहा है। मित्रों, हम हमारे वाटर कूलर के अंदर कूलिंग के लिए हम कॉपर की पाइपिंग देते हैं और इसमें LG ब्रांड का हम कंप्रेसर यूज कर रहे हैं फिलहाल, जिसकी हम 1 साल की पीस टू पीस गारंटी देते हैं। मित्रों, हमारी वाटर कूलर हो या कोई भी और प्रोडक्ट हो उसके बारे में आपको कुछ भी जानना है, रेट और उसके बारे में और भी डिस्क्रिप्शन, तो हमारी वेबसाइट है www.rdindustry.in, उसके ऊपर विजिट करके आप वहां से डायरेक्ट इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया, मोबाइल नंबर दिया गया, व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहां से डायरेक्ट आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। आपको त्वरित पूरी मशीन की जानकारी है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। और मित्रों, हमारे चैनल और हमारे वीडियो आपको अगर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।